नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलर्जी होने पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन एक आम समस्या है जो कि किसी खाने के पदार्थ, पराग, कीड़ों के काटने या फिर दवाओं जैसे किसी भी कारण से हो सकती है। आमतौर पर एलर्जी को घर पर प्राथमिक उपचार करने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में गंभीर एलर्जी होने पर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलर्जी क्या होती है, इसका पता कैसे चलता है, स्किन या फिर अन्य प्रकार की एलर्जी होने पर आपको क्या करना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि एलर्जी क्या होती है। तो दोस्तों, कभी कभी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वातावरण में मौजूद किसी पदार्थ को हानिकारक समझ लेती है, जबकि वह पदार्थ हानिकारक नहीं होता है और इस पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करने लगती है। और इस प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली हिस्टामाइन नामक एक केमिकल बनाती है, जिससे कि छींक, खांसी आना और आँख से पानी आना जैसे लक्षण होने लगते हैं, जिसे कि हम एलर्जी कहते हैं। और ये पदार्थ वातावरण में मौजूद पराग से लेकर कोई दवा तक कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति को अलग अलग पदार्थों से एलर्जी होती है और हल्की एलर्जी को घर पर कुछ उपाय करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन एलर्जी गंभीर होने पर डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य होता है। गंभीर एलर्जी के कारण लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में कठिनाई और शॉक जैसी समस्याओं के साथ साथ सांस न ले पाना और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास आपको ले जाना चाहिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जी का जो पता है वो कैसे चलता है। तो दोस्तों, एलर्जी होने पर आपको कुछ तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि छींक आना, त्वचा लाल होना, खुजली होना, चक्कर आना, नाक बहना, छाती या फिर पीठ पर खुजली और चकत्ते होना, दस्त होना, हल्की सूजन होना, मटली या उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना, आंखों में खुजली होना, सांस लेने में दिक्कत होना, आंख से पानी आना, सांस फूलना, नब्ज तेज होना और आंख लाल होना। गंभीर मामलों में एलर्जी से कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, एलर्जी करने वाले पदार्थ के संपर्क में आए क्षेत्र में सूजन या फिर चकत्ते होना, मुंह या फिर जीभ में सूजन हो जाना, बेहोश होना, गले या फिर आंखों के आसपास सूजन होना, निगलने में कठिनाई होना और यहाँ तक कि बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्किन एलर्जी होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, स्किन एलर्जी के लक्षण आमतौर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन लक्षणों से राहत पाने के लिए आप कुछ प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको किस पदार्थ से एलर्जी हुई है तो उस पदार्थ के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। सूजन और खुजली से राहत के लिए मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं ले सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र पर या तो 10 से 15 मिनट में ठंडी सिकाई करें या फिर नहा लीजिए। और अगर आपको दाने या चकत्ते हो गए तो ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहनने से आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। प्रभावित क्षेत्र पर आप कैलेमाइन लोशन जैसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, जो कि जलन या खुजली से राहत देती है। कीड़ों के काटने पर होने वाली एलर्जी के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जो कि अन्य एलर्जी वाली दवाओं की तरह ही काम करती है। और अगर आपको अधिक समस्या हो रही है तो एक कॉटन का मुलायम कपड़ा लें और उसे पानी में भिगोकर निचोड़ लें और अब इस कपड़े को प्रभावित क्षेत्र पर रखें। अगर किसी केमिकल के संपर्क के कारण एलर्जी हुई है तो प्रभावित क्षेत्रों को पानी से धोएं। तो इन उपायों से आपकी समस्या अगर ठीक नहीं होती है और लक्षण बढ़ने लगते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि गंभीर एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अन्य एलर्जी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपको एलर्जी हुई है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आराम करने से एलर्जी के लक्षणों में राहत मिल सकती है, इसीलिए एलर्जी होने पर पर्याप्त आराम करें। बंद नाक होने पर व्यक्ति को एक डीकंजेस्टेंट दवा दे सकते हैं। हल्का बुखार या पित्ती होने पर मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली एंटीहिस्टामाइन दवा लें। अगर व्यक्ति को पहले भी एलर्जी हुई है और डॉक्टर ने उन्हें दवा दी है तो व्यक्ति से पूछकर उसे वह दवा दें। अगर आँख में से पानी आने की समस्या हो रही है तो व्यक्ति को एलर्जी के लिए आँख में डालने वाली ड्रॉप्स दें। और अगर व्यक्ति के लक्षण बिगड़ रहे हैं तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते समय पीड़ित व्यक्ति के साथ ही रहें और उसके लक्षणों का ध्यान रखें। अगर वह बेहोश हो जाता है तो उसे आराम से लिटा दें। और अगर व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो उसे CPR भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एलर्जी होने पर आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो दोस्तों, एलर्जी के लक्षण कुछ ही मिनटों में बिगड़ सकते हैं और जानलेवा हो सकते हैं, इसीलिए अगर एलर्जी के लक्षण बढ़ रहे हैं या उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं या फिर एम्बुलेंस बुलाएं। और कुछ समस्या होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि
किसी दवा खाने के बाद एलर्जी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक से लक्षण बढ़ना, गले में जकड़न महसूस होना, ऐसे किसी पदार्थ के संपर्क में आना जिससे कि आपको पहले एलर्जी हुई थी, सांस लेने में आवाज़ आना, चेहरे, होठों, जीभ या फिर गले में सूजन होना, गला बैठना या फिर बोलने में दिक्कत होना, उलझन होना, पसीना होना, मटली या उल्टी आना, दिल की धड़कन तेज होना, चकत्ते या फिर पित्ती अधिक बढ़ना, नब्ज तेज होना, चिंता होना या चक्कर आना और साथ ही साथ बेहोश होना, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।